हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.9 हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ए स्क्वेयर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। ये कहता है कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इसकी जो ईच साइड है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो टॉर्क निकालने का बच्चों सीधा सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं कितने हैं, 20 हैं। करंट कितना गिवन है, यहाँ से देखो 12 एम्पियर करंट गिवन है। एरिया कितना गिवन है इसका, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके आ जाएगा, यानी लेंथ भी कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10^-2, और ब्रेथ भी कितना है क्योंकि स्क्वेयर प्लेट है, ईच साइड हमें दे रखी है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके इसका एरिया आ जाएगा। और साइन एंगल कितना दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ, 30 डिग्री का एंगल है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एन की वैल्यू पुट कर लिया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड रह गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू पुट कर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.80। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो 10 है तो यहाँ से टोटल मिला के जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, लिख लेता हूँ मैं 20 × 12। यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे तो 10^2 भाई इससे और इससे ही चला जाएगा, तो 10^-2 बचेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। नाउ इससे ये 0.4 times जाएगा, और इसकी 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, × 12 और × 10^-2 बचेगा। तो 12 से 8 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 × 10^-2 न्यूटन मीटर, और पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 0.96 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आ जाएगा।